तो इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ मीन्स लसअप तथा मसअप पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट टू है, इसके पहले में इसका पार्ट वन आपको पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने पार्ट वन को नहीं देखा है तो डिस्कशन में जाकर आप पार्ट वन को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक। उसके हम क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये फार्मूला कैसे बना मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा ये फार्मूला कैसे बना है, ठीक है। इसका हम क्या करें, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यानी भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन और पहला लिखा, ठीक है, ये भिन्न के रूप में आपको दिख रहा है और इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये भिन्न के रूप में आपको दिख रहा है और इसका पूछा कि आपसे एलसीएम पूछा गया है, ठीक है। तो भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि भिन्नों का एलसीएम क्या हो, आप क्या बताएंगे, भिन्नों का एलसीएम इक्वल टू अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ कर लेते, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि भिन्नों का एचसीएफ पूछा है, ठीक है, अगर एचसीएफ पूछा तो क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ ऊपर कर लेंगे और बटे क्या कर लेंगे, हरों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपसे बोला मैं आपको ऊपर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, आप यहाँ से देख सकते। अगर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, भिन्नों का एलसीएम पूछा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे, बाकी दूसरा क्या कर लेंगे, हरों का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि भिन्नों का एचसीएफ, तो आपको क्या करना, अंशों का एचसीएफ निकाल लेंगे और दूसरा इसका क्या कर लेंगे, अल्टरनेट कर लेंगे, ठीक है। आप इसे कैसे याद रखेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखने की टेक्निक आपको बता रहा हूँ, कैसे आप इनको याद रखेंगे, यानी इन फॉर्मूलों को कैसे आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया, भिन्नों का एलसीएम पूछा गया, तो जो पूछा जाएगा आपको करना है कि अंशों का वही निकालना है, बाकी दूसरा क्या करना, इसका अल्टरनेट कर लीजिए, यानी इसका क्या करना, आपको एचसीएफ निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे क्या पूछा गया, भिन्नों का एचसीएफ पूछा गया, तो आपको क्या करना, अंशों का एचसीएफ निकालना, जो पूछा जाएगा उसको क्या करना, आपको सामने वाला वही करना है, जो बटा वाला क्या करें, इसका अल्टरनेट कर, यानी इसका क्या करें, आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो आप इस तरह से इस फार्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए क्या दिया गया, इस तरह से दे दिया और पूछा कि इसका एलसीएम पूछा गया, तो हम लोग क्या करें, अंशों को क्या करें, हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालना मैंने शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है, ठीक है, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पार्ट वन मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब करना कि यहाँ से इन सभी का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये दो है, चार है, पांच है, सात, तो सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना, कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काटे क्या, ये देखिए जो दो है इसको पूरा पूरा काट, आप इसको यहाँ से क्या करिए, रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें कोई भी संख्या किसी को नहीं काटेगी, करना की इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, अगर इन सभी का आपस में गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, चार पच्चीस बीस हो गया, और बीस सत्य कितना हो जाएगा, एक सौ चालीस हो जाएगा, यानी ऊपर कितना हो जाएगा इनके एलसीएम, 140 हो गया। अब नीचे क्या करना है इनका, यानी इन सभी का क्या करना आपको, इन सभी क्या करना आपको एचसीएफ निकालना है, इन सभी का क्या करना आपको एचसीएफ निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो तीन नौ छह बारह को काटेगी, तो मैं देख रहा हूँ तीन, तीन से सभी कट जाएंगे, तीन के अलावा कोई बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, तीन सभी को काटेगी, यानी इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका ये आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 140 बटे 3 आएगा, तो सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, एलसीएम से रिलेटेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और पूछा क्या एलसीएम, यानी इन सभी क्या पूछा है, आपसे एलसीएम पूछा गया, ठीक है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, अगर भिन्नों के रूप में दिया गया तो आपको क्या करना है, जो पूछेगा तो यानी अंशों क्या करना आपको, वही निकालना है, इन सभी क्या करना आपको, एलसीएम निकालना है। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 98 आएगा। अब नीचे वाले क्या करना आपको, एचसीएफ निकालना है, इनका क्या करना आपको, एचसीएफ निकालना है, तो इनके एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। यानी एक के अलावा कोई भी नहीं है जो इन संख्याओं को काटेगी, एक ही जो सभी संख्याओं को काटेगी, इनके एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी 98 बटा कितना हो गया, एक हो गया। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
एक हट जाएगा बचेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। एक आप हटा सकते, कोई फर्क नहीं। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 14/33, 42/55, 21/22 का क्या पूछा इस बार, एचसीएफ पूछा गया। इस बार आपसे क्या पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया, ठीक है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जो पूछेगा यानी आंसर को क्या करना आपको वही निकालना, इन सभी क्या करना आपको एचसीएफ निकालना, इन सभी की क्या करना आपको एचसीएफ निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 14, 42 और 21 को काटेगी, तो मैं देख रहा हूँ 7 ही है, यानी 7 से ये भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब नीचे वाले क्या करना आपको, इनका क्या करना आपको एलसीएम निकालना है, इन सभी का क्या करना आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे ये पहले ये चेक करिए क्या अंश में कहीं 7 दिख रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 7 दिख रहा है और कहीं पे 7 नहीं दिख रहा है, तो हम बता सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 330 जाएगा, ठीक है। मुझे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसका इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 330 आएगा। आप कहीं पे निकाल के चेक कर सकते हैं, फिलहाल इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बी ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर देखिए कितना इन सभी का कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो 7 इसी में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा, ठीक है। इसका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और पूछा कि इसका एचसीएफ पूछे गए, इस बार क्या पूछा गया आपसे, एचसीएफ पूछे गए, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो पूछेगा आंसर क्या करना आपको वही निकालना है, यानी आंसर क्या करना आपको एचसीएफ निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो 9, 12, 18, 21 को काटेगी, तो मैं देख रहा हूँ 3 से ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नीचे वाले क्या करना आपको एलसीएम निकालना है, यानी इसका क्या करना आपको अल्टरनेट करना है, इन सभी के क्या करना आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या किसी ऑप्शन में 3 दिख रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ इसमें दिख रहा और इसमें दिख रहा है, यानी दो ही ऑप्शन हो सकते, चाहिए हो चाहिए हो, लेकिन नीचे वाले क्या करना आपको एलसीएम निकालना, क्या इन सभी के एलसीएम 5 आए क्या, इन सभी के एलसीएम 5 नहीं आए, कुछ ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/14 आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम कितना जाएगा, 14 आएगा, ठीक है। आप इस तरह से पता कर सकते हैं, ठीक है, कि आप दूसरा तरीका है कि आप इन सभी क्या करिए, आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम निकालने से बचना चाहते तो मैंने आपको ये ट्रिक बता दिए। सबसे पहले आप ये चेक करिए इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए 3 किसमें मैच करा, तो मैं देख रहा हूँ इसमें दिख रहा और इसमें दिख रहा है, ठीक है, ये सब तो होंगे नहीं, आप ये पहले दो ऑप्शन रिजेक्ट हुए और ये बच गया और ये बच गया, तो इन सभी का क्या करना आपको एलसीएम निकालना, इन सभी का एलसीएम 5 तो आएगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से देखते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है और पूछा कि इसका एलसीएम पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दशमलव के रूप में दे दिया और पूछा कि इनके एलसीएम पूछे गए, ठीक है। तो कैसे आप इसका एलसीएम निकालेंगे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना है कि मैक्सिमम कितने पे दशमलव पॉइंट लगा है, मैक्सिमम कितने अंक पे पॉइंट लगा है, तो मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा 2 अंक पे पॉइंट लगा है, तो जितने अंक पे पॉइंट लगा रहेगा, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा 2 अंक पे लगा है, तो करना है कि इन सभी में 100 से गुणा करना होगा, ठीक है। अगर 3 अंक पे पॉइंट रहा तो हम लोग कितने से गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 अंक पे लगा तो हम क्या करें, सभी में 100 से गुणा कर देंगे। कहने का मतलब ये कि जितने सबसे ज्यादा अंक आपको देखना है, कितने अंक पे दशमलव लगा, 2 अंक पे दशमलव लगा, तो सभी में क्या करें, 100 से गुणा कर लिए दशमलव हटाने के लिए, ठीक है। अगर आप इसमें 100 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 36 हो गया, इसमें 100 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर आप इसमें 100 से गुणा करें कितना मिल जाएगा, 480 मिलेगा। अब इन सभी क्या करना आपको एलसीएम निकालना, इन सभी का क्या करना आपको एलसीएम निकालना, और एलसीएम निकालना मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है पार्ट 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें ये चेक करिए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या, देखिए ये जो इसको पूरा पूरा काट देगी, यानी कहने का मतलब ये इसके अंदर है, तो आप इसको यहाँ से क्या करिए, रिजेक्ट कर दीजिए। अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, देखिए 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, 12 के अलावा कोई भी नहीं है जो इन दोनों को काटेगी, ठीक है। तो ये किसी को काट दिया, ठीक है, 12 से किसी को काट दिया, 12 के कितना हो गया, 36। काटने के बाद इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए, कितना में यहाँ से 300 हो गया और 3×8=24 हो गया, 3×4=12, 2 कितना हो गया यहाँ से, 14 हो गया, ठीक है। आपने शुरू में क्या किया था, 100 से सभी में गुणा किया था, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने शुरू में क्या किया, सभी में 100 से गुणा किया, तो एलसीएम निकालने के बाद क्या करना आपको, 100 से क्या करना आपको भाग देना है, ठीक है।
सौ से क्या करना आपको भाग देना है, तो नीचे दो जीरो है तो ऊपर कितने पे दशमलव लग जाएगा, दो अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, नीचे दो जीरो तो ऊपर कितने पे दशमलव लग जाएगा, दो अंक पे दशमलव लग जाएगा। आप बता सकते हैं कि इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14.40 आएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना है एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दशमलव कितने पे लगा, मैक्सिमम आप मैक्सिमम अंक चेक करना है। ठीक है, मैक्सिमम अंक आपको चेक करना है, दो अंक पे लगा तो करना कि आपको सभी में 100 से गुणा करें इतना आ जाएगा। अब इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद शुरू में आपने 100 से गुणा किया था, लास्ट में क्या करना आपको 100 से भाग देना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगर एससीएफ पूछा है तो क्या करेंगे, ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं का एससीएफ कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। जैसे यहाँ पे दिया और पूछा है कि इसका एससीएफ पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया और इसका क्या पूछा गया आपसे, एससीएफ पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, ये चेक करना है कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा, दो अंक पे लगा। तो करना क्या आपको सभी में 100 से गुणा करिए, सभी में कितने से गुणा करना आपको 100 से गुणा करिए। अगर आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। अगर आप इसमें 100 से गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा, 36 हो गया। इसमें भी तो 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा। अब इसका क्या करना आपको, एससीएफ निकालना है। ठीक है, एससीएफ का मतलब क्या आ जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे और इसको भी काटेगी। ठीक है, देखिए 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कट जाएगा, यानी 12 ही बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। तो इनका एससीएफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इनका एससीएफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप यहां से लिख लिए एससीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने शुरू में 100 से गुणा किया था तो लास्ट में क्या करना आपको, 100 से भाग देना है। ठीक है, शुरू में आपने 100 से गुणा किया था तो लास्ट में क्या करना आपको, 100 से भाग देना। अगर आप इसे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा और यहाँ पे 1, 2। ठीक है, आप बता सकते हैं कि इन सभी का एससीएफ कितना हो जाएगा, इन सभी का एससीएफ कितना हो जाएगा, इतना आएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए और कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम 90 तथा एससीएफ 3 है, यदि इनमें एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एससीएफ होता है। ये चीज मैंने आपको ऊपर लिखा, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये फार्मूला आखिर कैसे बना। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये फार्मूला कैसे बना। अगर हम कोई भी दो संख्या मान लें, ठीक है, कोई भी दो संख्या मान लें, हम लोग मान लें पहली संख्या कितना है, 12 है, और दूसरी संख्या कितना, 18 है। ठीक है, संख्या यहाँ पे पता चली। अगर आप इन दोनों के एससीएफ निकालिए, इन दोनों के एससीएफ निकालेंगे कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। इन दोनों के एससीएफ कितना आ गया, 6। अगर आप इनके एलसीएम निकालेंगे तो इनके एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 36 आपको मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के एलसीएम कितना मिल जाएगा, 36 मिलेगा। तो इसमें आपको यही चेक करना है कि अगर इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए और इन दोनों का आपस में गुणा किया जाए तो क्या ये दोनों बराबर हो क्या, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, ये 12 गुणे कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया, और यहां से कितना आ गया, 36, और ये गुणे कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 हो गया। अगर आप इन दोनों का गुणा करिए, 18 दुना कितना हो गया, 36 हो गया, और 18 कम 18 तीन कितना हो जाएगा, 21 हो गया, 216 मिलेगा। अगर आप इन दोनों का भी गुणा करें कितना मिलेगा, 216 मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए दोनों आपस में क्या बराबर, इसी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, पहले संख्या गुणे दूसरे संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एससीएफ होता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला आपका बना, और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे पहली संख्या पता तो वाले, पहली संख्या कितना, यहाँ से एक्स है, सॉरी पहली संख्या यहाँ पे कितना दी गई, 15 दी गई, और दूसरी संख्या आपसे पूछा गया, तो दूसरी संख्या हम लोग माने कितना है, एक्स है, और क्या पता आपको, एलसीएम पता है और एससीएफ भी पता है, तो आप यहां से कर लीजिए 90 गुणे 3। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर दिए, 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, अगर दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि दूसरी संख्या कितनी है, 18 है। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस इसमें आए हुए हैं। ठीक है, जो प्रीवियस इसमें क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, जैसे यहाँ पे दिया गया और इसका पूछा कि एलसीएम पूछेंगे, और ये क्वेश्चन की SSC 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या पूछा है आपसे, एलसीएम पूछा। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, अगर ये एलसीएम पूछा तो आपको क्या करना, आंसर क्या करना आपको, एलसीएम निकालना। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
तो आपको ये चेक करना क्या किस में बीस दिख रहा है क्या, मैं देखो यहाँ पे दिख रहा है ठीक है, बीस यहाँ पे दिख रहा है तो नीचे कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप क्या करिए आप नीचे वाले क्या करिए आप एसएफ ले लीजिए ठीक है, इन सभी के एसएफ कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा ठीक है। मैंने क्या आंसर बताया, सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकाल, इनका एलसीएम कितना आ गया बीस आ गया, तो किसी में चेक करिए बीस दिख रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ इसमें दिख रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग आप इसमें टिक लगा सकते हैं ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इन सभी के एसएफ निकाले कितना मिलेगा तीन मिलेगा ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दिया और इसका पूछा कि एलसीएम पूछा गया ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अगर ये एलसीएम पूछा था आपको क्या करना, आंसर क्या करें आप एलसीएम निकाले, अगर आप इन तीनों के एलसीएम निकाले कितना आएगा पांच आएगा। अब नीचे वाला क्या करना आपको, इन नीचे वाला क्या करना आपको एससीएफ निकालना है ठीक है, अगर आप इन सभी का एसएफ निकालेंगे तो कितना आएगा एक आएगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो चार पांच छह को काटेगा, एक ही है, एक के अलावा कोई भी नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पांच लिख सकते हैं ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थ्री देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया और पूछा क्या है एलसीएम पूछा, यानी भिन्न के रूप में दे दिया, इसका क्या पूछा आपसे एलसीएम पूछा गया, और ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है। तो क्या करना आपको दो तीन चार आठ का क्या करना आपको एलसीएम निकालना है ठीक है, दो तीन चार आठ, तो सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना है कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट है क्या, देखिए जो दो है इसको पूरा पूरा काट आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दिए, ये भी इसको पूरा पूरा आप इसको भी यहां से रिजेक्ट कर दिए, इन दोनों यानी इन चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा चौबीस आ जाएगा ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कितना मिलेगा चौबीस मिलेगा, तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा चौबीस आ गया ठीक है। अब नीचे वाले क्या करना आपको एसएफ निकालना है, इन सभी के क्या करना आपको एसएफ निकालना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन सभी को काटेगी, एक है, एक के अलावा कोई भी नहीं, तो नीचे कितना आ जाएगा चौबीस एक आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं डायरेक्ट चौबीस कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं डायरेक्ट चौबीस कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन फाइव देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तीन बटे चार नौ बटे दस पंद्रह बटे सोलह का एससीएफ ज्ञात कीजिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो पूछा कि एससीएफ पूछा गया आपको क्या करना है आंसर क्या करें आप एससीएफ निकालिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो तीन नौ पंद्रह काटेगी, तो मैं देख रहा हूँ तीन है, तो कौन से बड़ी संख्या तीन है, ऊपर तीन हो गया। अब नीचे वाला क्या करना आपको, नीचे वाला क्या करना आपको एलसीएफ निकालना, तो सबसे पहले आप इसको ये चेक करिए क्या किसी में तीन दिख रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ पहले ऑप्शन में तीन दिख रहा है ठीक है, और किसी में नहीं दिख रहा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं पहला ऑप्शन इसका क्या जाएगा सही हो जाएगा, या आप इन सभी का एलसीएम निकाल तो एलसीएम कितना मिलेगा अस्सी मिलेगा ठीक है, या आप इन सभी का एलसीएम निकाल कर चेक कर सकते हैं एलसीएम कितना आएगा अस्सी आएगा ठीक है, एलसीएम निकालना मैंने आपको पार्ट वन में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेवन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, दशमलव वाली संख्याओं क्या करना आपको लघुत्तम समापवर्तक क्या है, यानी दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछा गया ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको ये चेक करना कि दशमलव कितने अंक पे है, यानी सबसे ज्यादा कितने अंक पे दो अंक पे, अगर दो अंक पे तो क्या करना आपको सभी में सौ से गुणा करिए, अगर आप इसमें सौ से गुणा करें कितना हो जाएगा ये छत्तीस हो गया, इसमें सौ से गुणा करें कितना हो जाएगा ये एक सौ बीस हो गया, इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा चार सौ कितना हो जाएगा अस्सी हो जाएगा, और पूछा कि इनका एलसीएम पूछा गया ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि वो कोई छोटी संख्या किससे बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या, जो छोटी संख्या इसको पूरा पूरा काट दे आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दिए ठीक है, अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिन दोनों काटेगी, मैं देखो बारह से भी कटेगा बारह से भी कटेगा, तो किससे काट दीजिए बारह तीन छत्तीस, काटने के बाद इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए तो कितना मिल जाएगा ये चौदह सौ चालीस मिलेगा, कितना मिलेगा चौदह सौ चालीस मिलेगा ठीक है। आपने शुरू में क्या किया था सौ से गुणा किया था, तो लास्ट में क्या करना आपको सौ से भाग देना, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जितने से क्या करेगा, शुरू में आपने सौ से गुणा किया था तो लास्ट में क्या करना आपको सौ से भाग देना, अगर आप भाग देंगे तो यहां तक जीरो जीरो कट जाएगा, और यहाँ आप इसको ऐसा भी लिख सकते डायरेक्ट, नीचे दो दो जीरो है तो ऊपर कितने पे दसमलव लग जाएंगे दो अंक पे दसमलव लग जाएंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है। आपको ये चेक करना कि नीचे कितने जीरो है दो जीरो, ऊपर कितने पे दसमलव लग जाएंगे दो अंक पे दसमलव, तो देखिए पहला ऑप्शन इसका देखिए मैच करा ठीक है, इसके बाद आप जीरो लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन एट देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं पचपन और निन्यानवे हैं जिनका एसएफ 11 है उनका एलसीएम क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी 2017 में पूछा है क्वेश्चन, तो आपको फार्मूला पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या,
इक्वल टू क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो संख्याओं को पता आप यहां से कर लीजिए, 55 गुणे कितना हो जाएगा ये 99 हो गया। और यहां से एलसीएम पूछा गया, एलसीएम लोग मान लें एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 11। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दो ये 9 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 495 मिलेगा। कितना मिलेगा 495 मिलेगा, ये इसका क्या गया आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं 88 और 33 है जिनका एचसीएफ 11 है उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या आपको पता है पहली संख्या कितना है 88 है और दूसरी संख्या कितना है 33 है, और पूछे कि आपसे एलसीएम पूछा। अगर हम लोग मान लें एलसीएम कितना है एक्स है और एचसीएफ आपको पता है आप यहाँ पे इसको यहां से डिवाइड कर दो ये 3 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लो, अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 3 8 24 हो गया और 3 8 24 दो कितना हो जाएगा इससे 26 हो गया, ये इसका क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा 264। पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 540 है, अगर उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या दिया गया एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसका गुणनफल कितना दे दिया है इतना दे दिया। यानी एक संख्या पता है पहली संख्या कितना है 60 है और दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या में मान लें कितना है एच है, और एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान कितना दिया गया 540 दिया गया। आप यहां से 540 ये 0 से 0 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दिया 9 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 9, यानी दूसरी संख्या कितनी है 9। तो बी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा। और ये भी क्वेश्चन देखिए UPSI में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मसह और लसह क्रमशः 3x तथा 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी संख्याओं के जो भी दो संख्या है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आपको पहला तरीका बता रहा हूं और दूसरा भी तरीका आपको बताऊंगा, आप यहां से कर लिए। फर्स्ट मेथड यानी पहला तरीका क्या है उसको आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप यहां से व्युत्क्रमों का योग पूछा गया, आप यहां से लिख लिए व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग इक्वल टू क्या लिखना आपको यहां से, आप यहां से लिख लीजिए संख्याओं का योग लिख लीजिए, संख्याओं का योग, ठीक है। संख्याओं का योग हो जाएगा बटे एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा। अब इसमें रख के सॉल्व कर लिया आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। संख्याओं का योग कितना दिया गया 36 दिया, यहाँ पे आप 36 रख लीजिए और एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी क्या दिया लसा और मसा आपको पता है, ठीक है। कितना हो जाएगा यहां से 105 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा यहां से 3 हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब करना क्या है, अब इसका कैलकुलेशन करें और आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 3 × 3 हो गया और 3 × 6 हो गया। देखिए 3 से ये भी कटेगा, इसको डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12 हो गया और इसको डिवाइड कर 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15 हो गया। आप बता सकते हैं कि उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा 4/35 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन के इसका मैच कर, ये इसका पहला तरीका है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं सेकेंड मेथड, लेकिन फास्ट यही, ठीक है। फास्ट आपका यही है, सेकेंड मेथड आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट में लिख लिए, ठीक है। नोट में यही पॉइंट है कि एलसीएम में एचसीएफ से सदा भाग चली जाएगी, ठीक है। एलसीएम में एचसीएफ से सदा भाग चली जाएगी, तो यहां पे आपको पता है संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको पता है तो आप यहां से लिख लिए एलसीएम कितना है 105 है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 3 दिया गया है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, एलसीएम में एचसीएफ से सदा भाग चली जाएगी। तो करना है क्या आपको, इससे इसमें क्या करिए भाग दीजिए, भाग देंगे 3 × 3 = 9 हो गया और एक इधर गया 3 × 5 = 15 हो गया, भाग कितनी बार गए 35 बार गए। अब इसका क्या करना आपको सहभाज्य फैक्टर करना है, 35 का क्या करना आपको सहभाज्य फैक्टर करना है, तो कितना मिलेगा 7 और 5 मिलेगा, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 मिलेगा, ठीक है। फैक्टर करने के बाद क्या करना आपको, इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए तो पहली संख्या को पता चल जाएगा और इसका गुणा आप इसमें करिए तो दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से गुणा करिए कितना जाएगा 21 हो गया, अगर आप इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इन्हें पहली संख्या इतना है और दूसरी संख्या कितना है 15 है। संख्याएं पता चले तो पूछा गया इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया, आप यहां से लिखिए व्युत्क्रमों का योग,
व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है, तो करना क्या है मैं आपको कौन से बता रहा हूँ, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/21 हो गया, इसको पलटे कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इस तरह से आप कर लीजिए, ठीक है, एलसीएम मत लीजिए, नीचे इन दोनों का गुणा कर लीजिए और इसका गुणा तिरेक में कर लीजिए, इधर कर लीजिए और इसका गुणा इधर कर लीजिए, दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो इन दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। अब इसका क्या करें, आप कैलकुलेशन करिए, अगर आप इसका कैलकुलेशन करें कितना मिल जाएगा 4/35 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 4/35 मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, अगर आप इससे फास्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहला तरीका बता दिया। करना क्या, संख्याओं का योग लिख लीजिए, अब बटे क्या करिए आप एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लीजिए और इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बस ये क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको दिखा सकूं ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, यूपी SSSC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है, उनका एलसीएम 1035 है, यदि उनमें एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या यानी एक्स है, तो पूछा गया आपसे एक्स बटे 23 का मान पूछा गया, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, एक्स बटे 23 का मान पूछा गया। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता है कि पहली संख्या गुणे क्या होता है, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, तो आप यहां से कर लिए, पहली संख्या कितना है 207 और दूसरी संख्या कितना है एक्स है, तो आप यहां से एक्स लिख दीजिए और एलसीएम और एचसीएफ आपको पता है तो आप यहां पे लिख दीजिए। अब करना है कि इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, इसको 9 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगा, 115 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 115 बार में कट गया। अब देखिए x का मान आपको पता चल गया, x का मान कितना है 115 है, तो पूछा कि x बटे क्या पूछा गया, आपसे 23 पूछा गया, यानी इसका क्या करना आपको, बटा करना है, x बटे क्या करना आपको 23 करना है, तो इसका भी तो आप बटा करेंगे 23। अब इसको क्या करें, आप इससे डिवाइड करें, कितनी बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना गया 5 बार, तो बी ऑप्शन के इसका मैच करना। और ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का मसापा और लसापा क्रमशः 19342 है, यदि एक संख्या 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी पहली संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाए तो भाग कितनी बार जा रही है, कितनी बार जा रही है, अगर आपको पहली संख्या पता करना तो क्या कह रही है आप, इसका इसमें गुणा कर लिए तो 19 दिनों कितना हो जाएगा 38, यानी पहली संख्या आपको पता चलिए, ठीक है, पहली संख्या कितना है 38 है, पहली संख्या पता है वो एचसीएफ पता है और एलसीएफ पता है, तो पूछा कि आपसे दूसरी संख्या आपसे पूछा गया, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन है कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, 2016 और 17 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का लसर 495 तथा मसा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 में 100 है तो उनका अंतर है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो पीछे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया, पीछे कॉन्सेप्ट आपको यही बताया कि एलसीएम में एचसीएफ से सदा भाग चली जाती है, ठीक है, आप इसको नोट में लिख ले, ठीक है, एलसीएम में एचसीएफ से सदा भाग चली जाएगी, तो आप यहां से लिख लिए। करना क्या आपको, एलसीएम में क्या करें, आप एचसीएफ से भाग दीजिए, तो 495 में क्या करना आपको, 5 से भाग देना, तो भाग कितनी बार जाएगी, इसको अगर भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 99 बार जाएगी। इसके बाद क्या करना आपको, इसका सहभाज्य फैक्टर करना है, तो इसका सहभाज्य फैक्टर करें कितना मिल जाएगा, 11 गुणे कितना मिल जाएगा, 9 मिलेगा, 11 9 कितना हो जाएगा, 99, इसका सहभाज्य फैक्टर आपको मिल गया। तो पूछा कि उनका अंतर पूछे, यानी संख्याओं के बीच का अंतर पूछा गया। अब करना है कि इसका अलाक इसमें गुणा करें तो पहली संख्या पता चल जाएगी और इसका अलाक इसमें गुणा करें दूसरी संख्या को पता चल जाएगी, ठीक है, तो इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 55 हो गया और इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 45, यानी पहली संख्या 55 है और दूसरी संख्या कितना है, 45। तो पूछा क्या, संख्याओं क्या पूछा आपसे, अंतर पूछा गया। अब इन दोनों के बीच में अंतर कर लीजिए, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो कितने का अंतर मिलेगा, 10 का अंतर मिलेगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10। सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
ऐसी दो संख्याएं हैं जो 21 से बड़ी हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना और इतना है, इन संख्याओं का योगफल क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इस बार योगफल पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है, जो पीछे क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो करना क्या आपको, एलसीएम में क्या करना आपको, एचसीएफ से भाग दीजिए। ठीक है, एलसीएम में क्या करना आपको, एचसीएफ से भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 143 बार जाएगी। भाग कितनी बार जाएगी, 143 बार जाएगी। अब इसके बाद क्या करना आपको, इसका सहभाज फैक्टर करना है। अगर आप इसका सहभाज फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा, 11 गुणे कितना मिल जाएगा, 14 मिलेगा। जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो फिर कितना मिल जाएगा, 143 आपको मिलेगा। यानी इसका सहभाज फैक्टर आपको पता चल गया। अगर आप इसका लाख इसमें गुणा कर दे पहली संख्या पता चल जाएगी, और इसका लाख इसमें गुणा कर दे तो आपको दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अगर आप इसका इसमें गुणा करें कितना मिल जाएगा, 231 मिलेगा, 231 मिलेगा। इसका लाख इसमें गुणा करें कितना मिल जाएगा, 294 मिल जाएगा। अब संख्याओं को पता चले तो पूछा क्या, संख्याओं का योगफल पूछा, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, 525 मिलेगा। कितना मिलेगा, 525 मिलेगा। ये इसका क्या गया आंसर है। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, अगर योग पूछा था, दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, पूछा क्या संख्याओं का योग पूछा ना, तो सहभाज फैक्टर करने के बाद करना क्या आपको, यहीं से आप दोनों को योग कर लिए। ठीक है, रेशियो में दोनों को योग करें कितना मिल जाएगा, अगर आप इन दोनों को योग करेंगे कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। अब इसका लाके आप इसमें गुणा करिए, एचसीएफ का लाके इसमें आप गुणा करिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों का गुणा करें, 25 से कम 25 हो गया, और 25 दुना 50, 50 दू कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, इस तरह से भी आपका योग पता चल जाएगा और इस तरह से भी आपका योग पता चल जाएगा। तो बेहतर है कि आप यहीं से रेशियो में दोनों को क्या करिए, योग करिए, और जो भी एचसीएफ है इसमें लाके आप गुणा कर दिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए, सीडीएस 2018 में पूछा क्वेश्चन है। बस रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग भी आपके संपर्क में है, ठीक है, जो लोग भी आपके संपर्क में, तो आप उनको ये वीडियो एक बार जरूर से शेयर करिए। ठीक है, ताकि उनको भी पता चल जाए कि मैथ्स की क्लास अब चैप्टर चल रही है। ठीक है।